इस एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कॉमन रहेगा या पोस्ट वाइज रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट जो है कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, आपका भ्रम दूर होगा, आपका कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मैं आप आज दूर कर दूंगा। कमर्शियल अप्रेंटिस जो कि बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, इसका कट ऑफ सबसे हाई जाएगा। दोस्तों स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा पे। आपके ही कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे रेगुलर दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें कि आप ये चीज़ क्लियर कीजिए कि कट ऑफ जो बनने वाला है वो कॉमन कट ऑफ बनेगा या पोस्ट वाइज कट ऑफ बनेगा, क्योंकि ये अभी के समय की अगर बोली जाए तो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट की इस चीज़ को समझना। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो कॉमन बनना है क्योंकि CBT 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सच्चाई क्या है, क्या कॉमन वाइज कॉमन कटअप बनेगी या तो पोस्ट वाइज कटअप बनेगी, इससे रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा। वीडियो को पूरी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए यूट्यूबर दो चार तरह के होते हैं। अब देखिए दो चार तरह के कौन कौन से यूट्यूबर होते हैं। एक जो कि बोलते हैं बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले बोलते हैं कि कटअप 75 जाएगा, फिर बोलते हैं जब एग्जाम जैसे ही समाप्त होता है एग्जाम के टाइम में बोलते हैं 70 प्लस कटअप जाएगा, फिर बोलते हैं एग्जाम के एंड में कि 65 प्लस कटअप जाएगा, और आंसर की जैसे ही आती है वो 50 से 55 और 60 पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लोग उन्हें ही अपना भगवान मान लेते हैं। तो आपको जो है ऐसा नहीं करना है, जो आपको ऑथेंटिक न्यूज दे चाहे उसके सब्सक्राइबर कितने ही कम क्यों ना हो उस पर बिलीव कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आज मैं जो आपको ये जानकारी दूंगा ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी होगी, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी, आपका भ्रम दूर होगा, आपका कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं मैं आप आज दूर कर दूंगा। देखिए दोस्तों उससे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो एग्जाम हुई थी RRB NTPC की वो दो लेवल की हुई थी, एक ग्रेजुएट लेवल एक 10+2 लेवल। इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के अनुसार यानी कि कैंडिडेट जो है कितने थे, कैंडिडेट के अनुसार जो है वैकेंसी कितनी थी नहीं थी, ये सब चीज़ को सबसे पहले हम लोग दो मिनट के अंदर देख लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कॉमन वाइज या पोस्ट वाइज कटअप बनेगी, कॉमन कटअप बनेगी या पोस्ट वाइज बनेगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो कैंडिडेट बहुत कम थे, किसकी तुलना में बहुत कम नहीं बोला जा सकता है, लाखों लाख में कैंडिडेट है तो हम इसको बहुत कम कैसे बोलेंगे दोस्तों। हाँ अगर हम कंपैरिजन करें 10+2 से ग्रेजुएट लेवल की तो कैंडिडेट यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं कम, तो कैंडिडेट अगर कम दिखाई देते हैं लेकिन वैकेंसी यहाँ पे अधिक है। चूंकि आप जान रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी अधिक है, कट ऑफ इसका जो है लो जाएगा। अब ये लो नहीं समझिएगा कि ऑल ओवर लो जाएगा, ऑल ओवर नहीं, 10+2 की तुलना में जो है ग्रेजुएट लेवल का कटअप लो जाना है, और ये लो कितना जाएगा तो 50 से 60 के बीच में रहेगा दोस्तों। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो पेन और पेपर पे मेरी बात लिख लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ आज कि इसका जो कटअप रहेगा 45 से 60 के ही बीच में रहेगा जो भी ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट होंगे। देखिए दोस्तों उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसका कटअप लो जाएगा और जिसका कटअप हाई जाएगा। तो ग्रेजुएट लेवल पे दो पोस्ट जैसे कि SM और गुड्स गार्ड्स यानी कि स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड्स, ये जो दो पोस्ट हैं इनका कटअप जो है लो जाना है। सबसे लो अगर जाएगा ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट में से सबसे कम कटअप जाएगा तो इन्हीं दोनों का जाएगा, और कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो कि बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है इसका कटअप सबसे हाई जाएगा। ये हुआ ग्रेजुएट लेवल की बात। इसी तरह हम लोग 10+2 लेवल में भी देखेंगे तो किसका कटअप सबसे लो जाएगा, किसका कटअप सबसे हाई जाएगा। सिर्फ लो और हाई यानी मिनिमम और मैक्सिमम की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 10+2 लेवल में क्या था, कैंडिडेट की संख्या अधिक है ग्रेजुएट लेवल की मुकाबले में, और वैकेंसी क्या है इसमें कम है, वैकेंसी कम होने के कारण कटअप इसका हाई हो जाएगा, लगभग 60 से 75 के रेंज में इसका कटअप रहने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि पेन और पेपर लेके लिख लीजिए, और वैसे फर्जी यूट्यूबर से सावधान रहिए जो कि कभी एग्जाम के पहले कुछ बोलते हैं और आंसर की आते आते उनका जो है 75 से स्कोर 55 पे आके शिफ्ट हो जाता है, इससे आपको कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले 10+2 लेवल की जो कटअप है सबसे लो किस पोस्ट की जाएगी, सबसे लो अगर जाएगी तो वो कॉमर्शियल कम टिकट कलर का कटअप सबसे कम जाएगा, और ट्रेन कलर का जो कटअप है यानी TC का जो कटअप है वो सबसे हाई जाएगा। ये तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर ली, अब हम लोग बात करेंगे मेन मुद्दे पर जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। देखिए दोस्तों
ये पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से हमने मान लिया कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कैंडिडेट ने 5 पोस्ट को प्रायोरिटी दिए, सबसे ऊपर कोई पोस्ट रखा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से उन्होंने पोस्ट को रखा है। अब मान लेते हैं कि पहला जो पोस्ट है जो आपने सबसे ऊपर रखा है उसमें पोस्ट की संख्या है 25, दूसरे में 200, 500, 430, 600, इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कॉमन रहेगा या पोस्ट वाइज रहेगा। देखिए, और मान लेते हैं कि जो ये जो पोस्ट है जिसकी कि पोस्टों की संख्या 25 है, इसका कट ऑफ 70 रहता है, 200 पोस्ट की संख्या जिसमें कि 200 है उसका कट ऑफ 57 रहता है, अब 500 जिसमें पोस्ट है उसका कट ऑफ 52, 430 जिसमें है उसका 55, 600 जिसमें है उसका कट ऑफ 61 रहता है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये भी मान लिया है कि मान लिए कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो कितना है, पहले कैंडिडेट यानी कि पहला जो उसका कितना है 38 है, और दूसरे कैंडिडेट का 85 है, तीसरे का 57 है, चौथे का 65 है, और पांचवें का कितना है 56। इस तरह से मैंने मान लिया कि 5 अलग अलग जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल अगले 2 मिनट में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कॉमन कटअप और पोस्ट वाइज कटअप बनेगा या क्या बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट की ये कन्फ्यूजन है दोस्तों कि मान के चलिए कि CBT 1 वो क्वालिफाई हो जाते हैं, मान के चलिए CBT 1 वो क्वालिफाई हो जाते हैं किसी एक पोस्ट से, किसी एक पोस्ट से अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या सिर्फ वही एक पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होंगे CBT 2 में, क्या एक ही पोस्ट का एग्जाम देंगे वो, ये कन्फ्यूजन भी है। तो ये कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं मैं आपका दूर कर दूंगा। अभी देखिए, मान के चलते हैं कि पहला कैंडिडेट जिसने कि 38 नंबर लाया है, 38 नंबर अगर किसी कैंडिडेट ने लाया है और जितने भी पोस्ट प्रायोरिटी उन्होंने दिया था उस पोस्ट प्रायोरिटी में से किसी का भी कटअप जो है इस 38 से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि 70 है, 57 है, 52 है, 55 है, 61 है, और इसने मात्र 38 लाया है, मतलब ये कि इसका जो स्कोर है किसी भी पोस्ट को क्रॉस नहीं कर रहा है, किसी भी पोस्ट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है या उसको छू नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट जो है कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, इसका जो है CBT 2 में यानी इसका जो CBT 1 है वो क्लियर नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब जो दूसरा कैंडिडेट है उसको 85 नंबर लाए हैं, उन्होंने क्या किया है 85 नंबर लाया है। अब ये जो इन्होंने 85 नंबर लाया है, इस 70 को भी वो क्रॉस कर रहे हैं, इस 57 को भी क्रॉस कर रहे हैं, 52 को भी क्रॉस कर रहे हैं, 55 को भी क्रॉस कर रहे हैं, 61 को भी क्रॉस कर रहे हैं, ये 85 लाने वाले तो सबों को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब जो इनको जो पास किया जाएगा CBT 2 के लिए वो किस पोस्ट के अनुसार किया जाएगा, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, वो किस पोस्ट के अनुसार किया जाएगा। तो क्या सभी के लिए कर दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, सभी के लिए अगर कर दिया जाएगा तो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, जो कि रेलवे कभी ऐसा नहीं करेगी और पहले भी ऐसा कभी रेलवे नहीं की है। देखिए दोस्तों, अगर इनको 85 मार्क्स आया है तो इन्होंने जो सबसे ऊपर पोस्ट प्रायोरिटी रखी होगी, इन्होंने सबसे ऊपर जो पोस्ट प्रायोरिटी रखी होगी उनको देखा जाएगा कि उनको ये क्लियर कर पा रहे हैं। देखिए 70 है तो इनको ये क्लियर कर पा रहे हैं तो इनको जो है इस पोस्ट के अनुसार, पहले पोस्ट के अनुसार जो है CBT 2 में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए, कोई कैंडिडेट है जिन्होंने कि 57 मार्क्स लाया है, इनको किस पोस्ट के अनुसार CBT 2 में क्वालिफाई किया जाएगा? देखिए दोस्तों, तो इनको जो है सबसे पहले देखा जाएगा क्या वो 70 को क्रॉस कर रहे हैं, नहीं, यानी कि पोस्ट वन वाला जो प्रायोरिटी वन जो थी इसकी समाप्त हो गई। फिर देखा जाएगा कि दूसरे के लिए, हाँ, इसका एग्जैक्ट मिल रहा है कि चलिए ये कैंडिडेट जो है ये दूसरे नंबर की प्रायोरिटी को क्लियर कर पा रहे हैं, तो इन्हें जो है ठीक इसी के अनुसार प्रायोरिटी नंबर 2 के अनुसार इसे CBT 1 में क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई 65 लाता है, देखिए दोस्तों, अगर कोई 65 मार्क्स लाता है, देखिए यहाँ पे, अगर कोई 65 मार्क्स लाता है तो वो 57 को भी क्रॉस कर रहा है, 52 को भी क्रॉस कर रहा है, 55 को भी क्रॉस कर रहा है और 61 को भी क्रॉस कर रहा है, तो क्या इस चारों में इसे क्वालिफाई कर दिया जाएगा चारों के अनुसार? नहीं, इसने जो प्रायोरिटी नंबर जो भी रखा होगा, मान के चलिए कि पहली प्रायोरिटी इन्होंने ये रखी है तो इसको ये प्रायोरिटी नंबर 2 इसको मिल जाएगा और इसी के अनुसार ये CBT 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे, जबकि प्रायोरिटी नंबर 1 के अनुसार ये CBT 2 में क्वालिफाई नहीं होंगे। इसी प्रकार 56 वाले का भी होगा, 56 वाले का कौन कौन सा पोस्ट के अनुसार ये क्वालिफाई करेंगे, तो ये 55, 52,
बस ये दो पोस्ट हो जाएगा जिसके लिए ये क्वालिफाई होंगे, और इसमें से जो इन्होंने प्रायोरिटी पहले रखी होगी सॉरी दोस्तों, इसमें से जो प्रायोरिटी इन्होंने पहले रखी होगी उन्हीं के अनुसार इसका रिजल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे ये तो आपको मैंने समझाया कि किस प्रकार सीबीटी वन को में कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि चलिए सीबीटी वन में क्वालिफाई आप होंगे हो गए होंगे किसी एक प्रायोरिटी के अनुसार, मान के चलिए ये दूसरे प्रायोरिटी के अनुसार आप क्वालिफाई हो गए, तो दूसरे के अनुसार अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो क्या सिर्फ यानी कि दूसरे नंबर के पोस्ट के लिए पोस्ट लेवल दो के लिए, क्या सिर्फ पोस्ट लेवल दो के लिए आप जो है एग्जाम में बैठेंगे सीबीटी टू का जब एग्जाम होगा, क्या सिर्फ दो के लिए आप बैठेंगे या किसी और के लिए भी बैठ सकेंगे? तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन अभी दोस्तों छात्रों में यही है, लोग कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं, उन्हें एक डर सा लग गया। डर क्या लग गया कि अगर टू के अनुसार हमको क्वालिफाई किया जाएगा तो सिर्फ टू में हमको बैठने दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत सोच है दोस्तों। अगर आपको टू के अनुसार क्वालिफाई कर दिया गया सीबीटी टू के लिए तो आप क्वालिफाई हो चुके हैं सभी पोस्टों का एग्जाम देने के लिए, आप किसी भी पोस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त क्या है कि आप उस पोस्ट के लिए सॉरी थोड़ी सी तबीयत में परेशानी है, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो वो जो है क्वालिफाई हो चुके हैं सीबीटी टू के लिए, लेकिन वे सभी पोस्ट का एग्जाम तभी दे पाएंगे जब सभी पोस्टों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास हो। यानी कि आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम तभी दे पाएंगे जब ग्रेजुएट लेवल की डिग्री आपके पास है, तो ग्रेजुएट लेवल के सभी पोस्टों की परीक्षा आप दे पाएंगे और साथ साथ इंटर लेवल की भी परीक्षा दे पाएंगे अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब। अगर आप सिर्फ इंटर पास है यानी 10+2 आपने पास किया है तो आप ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आप सीबीटी वन क्लियर क्यों ना कर लेते हो। ठीक है, तो ये थी कंफ्यूजन। निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों, इतनी जो ये जो डिस्कशन हुआ इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि कॉमन कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे भीड़ बढ़ने की संभावना रहेगी। कट ऑफ जो है पोस्ट वाइज जारी किया जाएगा, ये हुआ पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि आप चाहे किसी भी पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार क्वालिफाई किए हों सीबीटी टू में, आप किसी भी लेवल की परीक्षा दे सकते हैं। शर्त यही रहेगा कि आप उस लेवल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अर्हता आप रखते हो, तभी आप उस लेवल की एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन सभी लेवल का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात। ठीक है, तो हमने कुछ डिस्कस किया इसमें, उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कस आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी आप निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, निगेटिव लोग अभी भी आपको बताएंगे कि नहीं कॉमन कट ऑफ जारी किया जाएगा क्योंकि ये स्क्रीनिंग नेचर का है। ठीक है, स्क्रीनिंग नेचर का है, पर थोड़ा ये भी तो सोचो कि अगर कॉमन कट ऑफ जारी किया जाता है तो हर एक लेवल के लिए हर एक स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। अब 20 गुना स्टूडेंट को चयन किया जाना है, 20 गुना स्टूडेंट को चयन किया जाना है हर एक पोस्ट के लिए। अगर हर एक को क्वालिफाई किया जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाएगी, जबकि 20 गुना से 19 गुना या तो 22 गुना भी रेलवे नहीं ले सकती है, उसे 20 गुना ही लेना है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में, इस भाकावे में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन है, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारी वीडियोज़ की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।